हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा टेक। तो मैं अभी एक वीडियो अपलोड किया था ट्रांसफर में कैसे विड्रॉ करना है आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, कैसे माइक्रो वर्कर से पैसा आ जाएगा अगर आप ट्रांसफर यूज करके विड्रॉल कर रहे हो। तो इसका जो सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका कहीं भी डाउट होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मतलब मैं बैंक अकाउंट में विड्रॉल प्रोसेस बताया था, लेकिन बैंक अकाउंट में जो मेरा डिपॉजिट हुआ है इसका प्रूफ मैं नहीं दिखाया था। तो फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मैं जो विड्रॉल किया था लास्ट विड्रॉल, मेरा जो रिसेंट विड्रॉल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है, देखिए फर्स्ट 30 मई को मैं एक विड्रॉ किया था, जो कि सैटरडे को विड्रॉ किया था, वो मंडे मॉर्निंग में मेरा अकाउंट में आ गया है ये वाला पैसा। तो आप देखिए बैंक ट्रांसफर डायरेक्टली पेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं फीस वगैरह आपको क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पे ट्रांसफर का फीस क्या होता है। अगर मैं विड्रॉल में जाता हूँ, फिर से देखिए ट्रांसफर जो लिखा हुआ है लोकल फंड ट्रांसफर वाया ट्रांसफर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फिर से मैं आपको यहाँ पे एक मिनट बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा ज्यादा फंड नहीं है इसलिए मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मिनिमम मेरा यहाँ पे विड्रॉल है $9, तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी बहुत ही कम है, 3% ही है मैक्सिमम, 3% जो कि सबसे कम है यहाँ पे इन कंपेरिजन टू पेपाल, पेनियर, जितने भी यहाँ पे प्रोसेसर है सबके हिसाब से ये ट्रांसफर का जो प्रोसेसिंग फी बहुत ही कम है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि $2 पर USD, मतलब आप अगर USD to USD ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको $2 लेता है। अगर नॉन USD, जैसे कि USD to INR में अगर आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है डायरेक्टली तो $0 दिखा रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली यहाँ पे आपको $1 देना पड़ेगा पर इंडियन। आई एम टेलिंग इंडियंस के लिए यहाँ पे $1 का एक फी लगता है और इसके बाद 3% आपको फीस देना पड़ता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं जो भी विड्रॉ किया हूँ यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो विड्रॉल हुआ है मेरा यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सबका बहुत सारा डाउट है कि एक्चुअली कितना विड्रॉल फीस है। तो मेरा जो टोटल अमाउंट 10.33 था, तो मुझे कितना रिसीव हुआ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 0.3 का जो विड्रॉल फी वो तो कटेगा, इसके साथ आपको $1 कट जाएगा। मतलब आप मुझे ये रिसीव हुआ है नियरली $9 का अमाउंट रिसीव हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो $15 के ऊपर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पे बहुत ही प्रॉफिटेबल है, कुछ भी यहाँ पे इश्यूज नहीं आएगा आपका और डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में आकर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि आपको पेपाल में जाता है फिर पेपाल से एक दिन के बाद बैंक अकाउंट में आता है, पेनियर भी वही प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली अगर आप ट्रांसफर यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में जाके ही डिपॉजिट हो जाता है और ये बहुत ही जल्दी होता है। मतलब अगर आप संडे इवनिंग या वेडनेसडे इवनिंग को आप कैश आउट कर रहे हो तो मंडे मॉर्निंग में आपका बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। तो चलिए इसका प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा जो ट्रांसफर में जो मैं विड्रॉ किया था वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक HDFC बैंक की तरफ से एक मैसेज आया है, क्योंकि ट्रांसफर अगर आप देखोगे तो ट्रांसफर का जो लिंक है, जो मतलब जो टाई अप है वो HDFC बैंक के साथ ही है। तो HDFC बैंक की तरफ से मुझे एक मेल आया है कि मेरा जो अकाउंट में 675 रुपीज 20 पैसे जो है माइक्रो वर्कर का डॉक्टम के थ्रू ट्रांसफर की तरफ से क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, इसमें इससे बड़ा प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, ये वाला आपको मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा जो रिसीव हुआ है यहाँ पे। और ये जो रिसीव हुआ है देखिए कल रिसीव हुआ है, जो डेट है देखिए 6/1/16, मतलब 1 जून को मुझे रिसीव हुआ है, जो कि 30 मई को विड्रॉ किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह मेरा अकाउंट में डायरेक्टली ये वाला अमाउंट जो है वो रिसीव हो गया है। तो ये जो अमाउंट मेरा अकाउंट में रिसीव हुआ है कि नहीं, इंडियन बैंक में मेरा बैंकिंग स्ट्रक्चर में भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे मैं लॉग इन में हूँ अंदर ही, तो मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे देखिए ये जो अमाउंट है 1 जून का
फिर से दिखा देता हूँ आपको, 5 जून का जो अमाउंट है देखिए, ये वाला अमाउंट 675.20 जो कि मैसेज में आया था HDFC की तरफ से, ये वाला यहाँ पे रिसीव हुआ है और मेरा अकाउंट में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दिस इज द प्रूफ दैट आई हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम ट्रांसफर डायरेक्टली टू माय बैंक अकाउंट एंड इट इज द मोस्ट इजियर प्रोसेस टू गेट योर मनी इनटू योर अकाउंट। नो नीड टू ओपन अ न्यू अकाउंट और न्यू साइन अप फॉर ए ट्रांसफर अकाउंट। सिंपली आपको क्या करना है, वहां पे जो फॉर्मेट है इसको फिलअप कर लेना है और सबमिट दे देना है और डेफिनेटली आपका आपका सामने डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में वो आ जाता है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप ट्रांसफर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम और इश्यूज आ रहा है रिगार्डिंग ट्रांसफर विड्रॉल तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल विल सपोर्ट अवर चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियोज एंड जेन्युइन वीडियोज फॉर ऑनलाइन अर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।